आज हम लेके आए हैं बिरयानी, सोयाबीन बिरयानी कैसे बनाते हैं। बहुत मज़ेदार, चावल आसानी से बन जाता है। तो सोयाबीन फुलाने के लिए हमने यहाँ पे पानी ले रखा है, ठंडा पानी नहीं तो गर्म पानी, कोई सा भी पानी आप ले सकते हो, नॉर्मल पानी। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी लिया है। ये देखिए गाइस, हमने छोटा सोयाबीन ले रखा है, तो हम इसे एक गिलास डाल रहे हैं, एक और आधा गिलास। हमारे फैमिली ज़्यादा है तो हम ज़्यादा दो गिलास डाल रहे हैं। आपकी जितने फैमिली हो उतने हिसाब से डालें आप। ये जब तक फूल रहा है हम प्याज काट लेंगे। यहाँ पे हम बिरयानी के लिए हमने लहसुन ले लिया है, हमने एक छोटा सा चावल लिया था। ये देखिए 6 लहसुन है हमारे पास, एक एक करके। और हमने थोड़ा सा अदरक ले रखा है, एक हरी मिर्च हमने ले रखा है, बड़ा है क्योंकि एक हमें लेना है, एक टमाटर और एक प्याज। तो उसे एक प्याज में बहुत बड़ा प्याज है, ये देखिए बहुत बड़ा प्याज है, तो हम इसमें से आधा प्याज काटेंगे। अब चलो हम इसे काट लेते हैं। ये हमने सब कुछ छोटा छोटा काट लिया है, लहसुन हमने गोल गोल काट लिया है, हरी मिर्च भी हमने गोल गोल काट लिया है, और प्याज आप लंबा लंबा भी काट सकते हो, पर हमने यहाँ पे छोटा छोटा काट रखा है। और टमाटर भी हमने छोटा छोटा काट लिया, बीच में है वो अदरक है, अदरक हमने काटा नहीं है, कूच दिया है। कूच देंगे तो वो कहीं भी गल जाएगा, काटेंगे तो पूरा पौर दिखेगा। तो फोरन के लिए हम यही सब डालेंगे। अब हम यहाँ पे चावल फुला देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम बड़े फैमिली हैं, तो हमने इसे एक गिलास चावल डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे बासमती राइस ले रखा है, आपको चाहिए तो आप कोई सा भी यूज़ करते हैं, बिरयानी राइस कोई सा भी राइस यूज़ कर लेना। अब इसे हम फुला देंगे थोड़ी देर के लिए। एक गिलास चावल लिए, हमने 3 गिलास पानी रखा है। कोई सा भी चावल हमें पहले धोना चाहिए मीच मीच के। सोयाबीन को आप छू के देखेंगे तो फूल चुका होगा, हार्ड नहीं होएगा अंदर से, तो हमें ऐसे ही हमें ले लेना है। हमने इसे कम से कम 20 मिनट फुलाया था, और हमने इसे ऐसे पानी निचोड़ दिया है और एक कटोरे में हमने ले लिया है। तो यहाँ में हमने तड़का लगाने के लिए 2 इलायची और बिरयानी में ये डालते हैं तेज पत्ता, और हमने थोड़ा सा सौंप ले रखा है, और हमने दालचीनी 2 टुकड़ा 4 टुकड़ा ले रखा है छोटा छोटा। तो ये सब आप लेके रख लीजिए। बिरयानी में वो डालते हैं, वो आपको चाहिए तो डाल लेना, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने कुकर को हीट करके तेल डाल लिया है 2 चम्मच। अब हम डालेंगे सौंफ, सारा सौंफ हमने डाल लिया है, इलायची, लौंग, इलायची, दालचीनी और बिरयानी का और तेज पत्ता। तो हमने सब कुछ डाल के 2 मिनट चला लेंगे। ये बहुत इंतजार है तो देख लीजिएगा। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सब एक के साथ डाल दीजिएगा, और टमाटर डाल करके मिला लीजिएगा। ये लेके 2 मिनट आप सब चीज को भून लीजिएगा, थोड़ा सा भूरा कलर होने तक हमें भूनते रहना है। अब कोई इस स्टेज में आपको स्मेल आने लगेगा, ऐसे स्टेज आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, पूरा ब्लोन हो गया। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार हल्दी, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया 1/2 से 1/3 कम चम्मच, और नमक हमने स्वाद अनुसार डाला है, आपको जितना नमक चाहिए। हाँ, छोटा चम्मच से 1 चम्मच डाला है। चावल के लिए भी हमें डाल लेना है। दोबारा हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमने जो फुला के रखा था वो सोयाबीन हम डाल देंगे और चला देंगे। मसाला अच्छे से भूनने देंगे 2 मिनट, हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। ये अच्छे से भून रखा है, अब हम इसके अंदर फुलाया हुआ चावल डालेंगे। ये देखिए हमने सब चावल डाल रखा है, अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। चावल नीचे बैठ गया है, हम इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेंगे। फ्लेम बहुत हाई है, अब हम इसे 2 सीटी लगाना है हमें।
दो सीटी 5 मिनट भी रख सकते हो, पर हम यहाँ पे 2 सीटी लगाएंगे। कितना अच्छा हमारा चावल बन के रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये धनिया पत्ता हमने डाल लिया। आपको चाहिए तो आप सीटी लगाने से पहले डाल लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद में ऐसे डाल लीजिएगा। अब हम इसे मिला देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। अब ये खाने का हमें मन कर रहा है। बहुत टेस्टी भी है, ये स्मेल बहुत अच्छा है, होटल की तरह स्मेल आ रहा है। ओके गाइस, आपको मैं चाहे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। इसके लिए मैंने एक और सब्जेक्ट था, छोटा सा साइड से रायता बना दिया है। वो रायता देख